नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। जैसे कि जो अदर स्टेट को हमारे यहाँ पर जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें अलाउ कर दिया गया है, और आप लोगों को पता है कि जो जब से नोटिफिकेशन आई है तब से 8 बार संशोधन किया गया। इस नोटिफिकेशन 8 बार संशोधन कर दिया गया, अभी आगे पता नहीं कितना संशोधन करना बाकी है। देखिए इसमें नुकसान हमेशा हर तरीके से बच्चों का ही होता है, हर तरीके से बच्चों की आशाओं पर वार होता है, उनकी उम्मीदों पर वार होता है। तो खैर इन सब चीजों पर हम लोग आगे चर्चाएं करेंगे और साथ में कुछ जो अपडेट्स है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे बिहार शिक्षक भर्ती में इस समय स्टेट वर्सेस अदर स्टेट हो गया है। कहने का अर्थ है कि बिहार के जो छात्र हैं और जो अदर स्टेट के जो छात्र हैं, इनमें बड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि किसके लिए कितनी सीट है। अब जैसे सभी लोगों को पता है कि जो सीट्स हैं ये जब बताई जा रही है यहाँ पर कि 1,70,461 पोस्ट है। तो जितने भी लोग हैं इसी को ध्यान में रखते हुए, अदर स्टेट वाले भी जो हैं वो भी इसी को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरने का सोच रहे हैं कि हमारी 1,70,000 पोस्ट है तो इसमें हमारी फाइट होगी, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फाइट करेंगे भी तो करेंगे तो कितने पोस्ट पर करेंगे, और सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है अगर अदर स्टेट वाले बिहार में आए हैं तो उसमें बिहार के किन छात्र वर्ग का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अदर स्टेट वालों का क्या सिचुएशन रहेगा, क्या स्थिति रहेगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए तो यहां पर मैं आप सभी को पता है कि जब ये फॉर्म भरे जाते हैं अदर स्टेट के, सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी फॉर्म अदर स्टेट के भरे जाते हैं तो उसमें जो भी कैटेगरी होती है वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो कुछ बच्चे जैसे पूछ रहे हैं कि सर मैं एससी से हूँ, एसटी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो क्या हम उस कैटेगरी में रहेंगे या जनरल कैटेगरी में ही फाइट होगी? तो सभी की जनरल कैटेगरी में फाइट होगी। अब यहाँ पर मैं ऑफिशियल सब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगला पेज दिखा दूं, तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा तो आप लोग देखिएगा, वैसे दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, और सेकेंडरी यानी 9th, 10th, 11th, 12th की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 9th, 10th, 11th, 12th के लिए अदर स्टेट वाले वो लगभग लगभग आउट ही हैं क्योंकि उसमें एस्टेट मांगा है, ठीक है। जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अदर स्टेट के हैं वो 9th, 10th, 11th, 12th वाले में अगर आप वहां पर भर देंगे फॉर्म तो वो नहीं भर पाएंगे क्योंकि वहां पर एस्टेट चाहिए। तो अगर आपके पास एस्टेट है, बिहार का जो एस्टेट है, स्टेट है, अगर वो क्वालिफाई है तभी भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते, ठीक है। तो वहां से बात ही खत्म हो जाती है, तो फाइनली आपके पास केवल बचती है प्राइमरी की नौकरी। तो प्राइमरी वाले में भी अगर हम बात करें तो आप सभी को जैसे बताया जो अदर स्टेट वाले छात्र होंगे वे सभी किस में जाएंगे, जनरल कैटेगरी में फाइट करने के लिए जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फाइट की जो सीन है इसमें सीट कितनी है प्राइमरी में, तो 15,947 यानी लगभग लगभग 16,000 पोस्ट, और 16,000 पोस्ट जो है अनारक्षित महिलाओं के लिए। तो अर्थात जितने भी बच्चे अदर स्टेट के होंगे वो इन्हीं में फाइट करेंगे, इसी सीट में, यानी इसी 15,947 में फाइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर एक कंफ्यूजन हो रहा है महिलाओं के लिए क्योंकि जो अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं वे क्या इसमें फाइट करेंगी या इसमें फाइट करेंगी। तो देखिए जिस तरीके से फॉर्म भराया जा रहा है मेरा अनुमान है ये, ठीक है। तो क्योंकि ऑफिशियली इसके लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं दिए हैं, और जिस तरीके से फॉर्म भराया जाता है आप फॉर्म भरते समय आप देखेंगे तो अदर स्टेट की जो फीस है, ठीक है, अदर स्टेट की जो फीस है वे सबके लिए एक बराबर रखी है, यानी जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है, और साथ में जो बिहार स्टेट की जो महिलाएं हैं उनके लिए फीस अलग रखी गई है। अर्थात यानी बिहार की महिलाएं जो हैं उनके लिए फीस अलग रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, और या फिर जो आपका अदर स्टेट का चाहे जो भी हो, उन सभी के लिए फीस एक रखी गई है। तो यहां पर जहां तक मुझे संभावना दिख रही है कि यहां पर जो फाइट होगी अदर स्टेट वालों की वो इसी 15,947 में ही होगी। अभी इस पे कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है, अगर इसमें ऑफिशियली अपडेट आ जाता है कि महिला वाली केवल महिलाओं के साथ फाइट करेंगी और जो पुरुष वाले होंगे पुरुष वाले में, तो यहां पर अपडेट जैसे आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। उसके साथ साथ अब यहां पर नुकसान हो रहा है बेचारे बिहार के जनरल कैटेगरी का। अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे कि जो अदर है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी उनका क्या, तो वहां पर इनकी जो सीट रिजर्व है बिहार में उनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो अदर स्टेट वाले आएंगे भी तो इन सीटों पर नहीं फाइट करेंगे,
फिर से सुन लीजिएगा, जो अदर स्टेट वाले जो बच्चे आएंगे वो आपके एससी एसटी ओबीसी में जितनी सीटें आई हैं अलग, उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी जो बिहार के ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी वर्ग के जो हमारे मित्र छात्र हैं वो सभी यहां पर अपनी जैसी स्थिति पहले थी उसी स्थिति में है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन फर्क पड़ेगा तो जनरल कैटेगरी के छात्रों को, ठीक है, तो फर्क पड़ेगा जो बिहार के जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनको फर्क पड़ेगा, उनको कंपटीशन ज्यादा झेलना पड़ जाएगा। जो बिहार के जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनके साथ यहाँ पर थोड़ा सा बहुत मतलब कह सकते हो कि नुकसान हुआ किसका, तो बिहार के जनरल कैटेगरी का नुकसान हुआ है, ठीक है। अदर स्टेट की बात करेंगे तो अदर स्टेट आपका यहीं पर लड़ेगा, उनमें से अदर स्टेट में चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो वे अपने आप को जनरल मानकर ही बीपीएससी में भरेगा। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग मैसेज बार बार आ रहा है कि हम अदर स्टेट से हैं, हम एमपी से हैं, हम छत्तीसगढ़ से हैं, हम झारखंड से हैं, तो हमारा क्या होगा, हम ईडब्ल्यूएस हैं, ऐसा वैसा मतलब करके तमाम तरीके से डाउट्स आ रहे हैं। उसके साथ साथ हम आपको एक चीज और बताते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि यहाँ पर ये जो मामला है पूरा का पूरा, ये बच्चे जो है जो अदर स्टेट वालों को अलाउ किया उसके आधार पर, आपको पता है कि इनके शिक्षा मंत्री ने लगभग ऐसा बयान दे दिया था ना कि बिहार में थोड़ा सा टैलेंट की कमी है इसलिए हम बाहर से छात्र बुला रहे हैं, योग्य लोग आएंगे यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा मतलब ये गंभीरता को न दिखाने वाला बयान है, क्योंकि सीधी सी बात है हम सभी को पता है कि बिहार से कितने छात्र, कितने विद्वान, कितने महापुरुष हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिहार को ऐसे क्रिटिसाइज कर देंगे, कितने आईएएस हर साल जो है बिहार से ही निकलते हैं, कितने पढ़े लिखे लोग बड़ी बड़ी पोस्ट में आपके बिहार से मिल जाएंगे। तो ये गलत बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए, और अगर आप ये मानते हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। छात्रों की भावनाओं को आहत ना करें, कृपया करके, छात्र मेहनत करके पढ़ रहा है, उसका पूरा जज्बात लग रहा है वहां पे, पूरा समय लग रहा है, उसका पूरा परिवार लगा हुआ है उस चीज के लेके, और आप कह रहे हैं कि योग्यता ही नहीं है, ये थोड़ी गलत बात है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज गलत है, आपको कहना है वो अलग बात हो गई, लेकिन आप ये कह रहे हो कि नहीं योग्यता नहीं है, ये बहुत गलत बात होती है। किसी भी छात्र का, चाहे वो किसी भी राज्य का छात्र हो, उसको क्रिटिसाइज कभी नहीं करना चाहिए, उसकी योग्यता पर कभी शक नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो 4 जुलाई को यहाँ पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए बोल रखा है कि ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित इतनी समस्याएं हैं उसकी सुनवाई 4 जुलाई को कोर्ट में होगी। तो यानी 4 जुलाई को मामला सुना जाएगा, एक कंबाइंड मतलब जितने भी केसेस हुए हैं और इस भर्ती संबंधित उस पर कंबाइंड जो है एक सुनवाई 4 जुलाई को होगी। अब हियरिंग होगी, उसके बाद भी समझ में आएगा कि इसमें क्या अपडेट्स आती हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कट ऑफ पूछ रहे थे कि क्या कट ऑफ है, तो देखिए जो पहला पेपर है, पहले पेपर में तो आपको पता ही है कि वो सिर्फ अनिवार्य, उसमें आपको सिर्फ आ रहता है क्वालिफाइंग है पहला पेपर। दूसरे पेपर यानी जो 120 नंबर का पेपर है उसमें आपको 40% मिनिमम लेके ही आना है, ठीक है। 40% के नीचे लेके आएंगे तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, या आपको मतलब कहने का मतलब आपको मेरिट में स्थान नहीं रखा जाएगा, मेरिट बनेगी नहीं आपकी। तो आपको मिनिमम 40% अर्थात 48 क्वेश्चन, ठीक है, यानी 48 नंबर आपको लेके ही आना है, ठीक है। तो ये हो गई छोटी मोटी बातें जो मेरे पास कमेंट्स में कुछ बच्चे पूछ रहे थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो और भी कोई जानकारी मुझसे छूट गई हो या कुछ ऐसा कुछ हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।